কংগ্রেস এখনো পরিবারতান্ত্রিক দল, তাদের এমন করুণ দুর্দশা তা স্বপ্নেও ভাবেনি। কংগ্রেস শুধুমাত্র একটি পরিবারই রয়ে গেছে এই বলে রবিবার কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন হরিয়ানা প্রভারী তথা সাংসদ এবং ত্রিপুরা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি এদিন আরও বলেন যে, আমার তো এমন মনে হচ্ছে যে আগামী নির্বাচনে সরকার এবং বিরোধী পার্টি এ দুইয়ের ভূমিকা আমাদের কর্মীদেরই পালন করতে হবে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে এমন করে চাঁচাছোলা ভাবেই কংগ্রেসকে বিঁধেছেন বিপ্লব কুমার দেব। ऐसे तो विरोधी पक्ष हमको दिखता नहीं, छोटे मोटे यात्रा में उनको दिखाई देता है। और कांग्रेस तो आप एक परिवार का पार्टी हो गया। कांग्रेस का इतना दुर्दशा हो कि मैंने कभी सोचा नहीं था। कांग्रेस इस तरीके से एक परिवार का एक विशेष संप्रदाय का राजनीति नहीं करती, कि नेशनल पार्टी है। जो हरियाणा में इतना दुर्गति हुई, जो एक परिवार तक रह गया है, तो बाकी सब लोगों को भी, अपने साथी जो कांग्रेस के लोग हैं, लीडर हैं, करती गई है। किंतु इससे हमको खुशी होने की कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं सशक्त विरोधी पार्टी रहे, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। किंतु आप, जहां तक मुझे लगता है, मैं इस राज्य का प्रभारी हूँ, सरकार एवं विरोधी पार्टी दोनों का भूमिका हमारे कार्यकर्ता को निभाना पड़ेगा अगले इलेक्शन से, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो इसलिए हम लोग उसी हिसाब से कार्यकर्ता को तैयार कर रहे हैं। चुनाव अभी आया नहीं, चुनाव अभी भी एक साल दो साल बाकी है। पहले लोकसभा चुनाव लड़ लेते हैं और मोदी जी को 10 के 10 सीट हरियाणावासी देंगे, आप भी देंगे। मुझे पता कि मोदी हमारे मजबूरी है, मोदी को रखना ही पड़ेगा। मोदी है तो हम सकते हैं और हम लोग स्वाभिमानी रूप से अपना काम कर सकते। হরিয়ানা জুড়ে বিজেপির সংগঠনকে আরও মজবুত করতে চলেছেন সাংসদ তথা ত্রিপুরা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রবিবার বুথ কমিটি, পৃষ্ঠা প্রমুখ এবং শক্তিকেন্দ্র প্রধানদের নিয়েও বৈঠক করেছেন বিপ্লব কুমার দেব। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ইনিউজ।